से बचाव के लिए सदर सांसद रवि किशन ने गुरुवार को कूड़ाघाट क्षेत्र की जनता में कंबल का वितरण किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि शासन का निर्देश है कि ठंड से बचाव के लिए सभी लोगों को कंबल का वितरण किया जाए तथा यात्रियों को रैन बसेरों में ठहरने की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ठंडा अधिक बढ़ने वाला है, जिसको देखते हुए कंबल का वितरण किया गया है और आगे भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठंड से लोगों को बचाने के लिए सभी वर्ग को आगे आना होगा और अपना योगदान देना होगा, यही मानवता का धर्म है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा, किसी को धक्का मुक्की नहीं होगा। फोटो बना रहे थे देखिए, पूज्य महाराज जी के जैसे आदेश है कि कंबल जाड़े का समय है, कंबल बांटना बहुत ज़रूरी है और रैन बसेरा से लेकर हर चीज़। तो आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जैसे हम लोग अनाज बांटते थे, मेरे कार्यालय से अनाज भी बटा, फिर पिछले महीने से हम लोग कंबल बांटना शुरू कर दिए, तो ये सिलसिला चल रहा है। और गोरखपुर की जनता आज हर तरीके से एक दूसरे को, निषाद जी भी हैं, ये निषाद समाज है, वो एक दूसरे की मदद कर रहा है सबकी, गरीबों के लिए। इस वक्त ठंड ज़्यादा बढ़ेगी, हम सब लोगों को आगे आना चाहिए और सब लोगों की मदद करनी चाहिए, यही मानवता, यही धर्म है।